हाय एवरीवन, वेलकम टू भारत जर्नी विद सुमन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं ले आई हूं आपको एक न्यू मार्केट में। ये है चांदनी चौक की नई सड़क की मार्केट, जो कि स्टेशनरी के लिए बहुत ही फेमस मार्केट है। आप लोगों को पता है स्कूल खुल गए हैं और अभी न्यू सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो इन बुक्स की और कॉपीज़ की आप सबको नीड पड़ने वाली है। सबके घर में बच्चे होंगे छोटे, तो आपको इस मार्केट में ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और इस मार्केट की जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी कलेक्शन है, मैं वो पूरी दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके पहले भी मेरे चैनल पर अपलोड है वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। कब जाना है, कैसे जाना है, किस दिन छुट्टी होती है मार्केट की, बंद रहती है मार्केट, वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी एंड तक देखिएगा। सो वेलकम टू भारत जर्नी विद सुमन मुंजाल। ऐसे ही न्यू कंटेंट्स और न्यू वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो चलिए मार्केट चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो गई थी बाय मेट्रो, और मेट्रो की येलो लाइन जाती है चांदनी चौक, बट अगर आप अपनी कन्वेंस से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बेटर रहेगा आप अवॉइड करें अपनी कन्वेंस और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ। बस या मेट्रो आप यूज़ कर सकते हैं। गेट नंबर 1 से लेना है आपको एग्ज़िट, और एग्ज़िट लेने के बाद आप एक पार्क में पहुँचेंगे, इस वाले पार्क में। और यहाँ पर आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएगा जिसमें बाय एरो करके आपको पूरा बताया गया है कि नई सड़क कहाँ पर है या कौन सी, जिस मार्केट में आप विज़िट करना चाहते हैं वो कहाँ पर है। तो देख लीजिए, नई सड़क का प्रॉपर बताया कि आपको स्ट्रेट जाना है, और चलिए फटाफट चलते हैं मार्केट में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी डिटेल आपको इसलिए बता रही हूँ, जब आप जाएंगे मार्केट में तो आपको प्रॉब्लम ना हो फाइंड आउट करने में कि मार्केट कहाँ पर है। तो देख लीजिए, नई सड़क का बोर्ड लगा हुआ है, आपको लेफ्ट टर्न लेना है। जब लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जाइएगा, यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया है, और ये स्ट्रेट जाएंगे तो आगे नई सड़क की मार्केट, स्टेशनरी की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इस मार्केट की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे खुल जाती है ये मार्केट, और रात को 8 बजे तक आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। जब इस लाइन को क्रॉस करेंगे, इस गली को क्रॉस करेंगे, तो अरुण वस्त्र भंडार के नाम से यहाँ फेमस शॉप है, वो लैंडमार्क आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट, और चलते हैं फटाफट किसी शॉप पर। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर ये वीडियो पहले भी अपलोड है नई सड़क की, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि काफ़ी कॉस्टली है, हमारे नियर बाय भी मिल जाता है। आज मैं आपको ज़रूर ये अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगी मैं वीडियो के एंड में, कि आपको इस मार्केट में विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नियर बाय आप ले सकते हैं। तो चलिए, रजिस्टर्स ये स्पायरल वाले आपको 400 पेजेस का मिलेगा 80 रुपये का, और अगर 500 पेजेस का लेना चाहते हैं, काफ़ी मोटा होता है रजिस्टर, ये मिलेगा 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का। इसमें ज़रूर आपको डिफरेंस मिलेगा आपकी नॉर्मल मार्केट से। 350 का 6 पीस का, और इसमें पेजेस कितने होंगे? 280। जैसे 12 पीस का है ना ये, 12 पीस का 220 रुपये का, और कितने पेजेस होंगे इसमें? इसमें 160। अच्छा, इसमें अच्छा रिटेल में 25 का बिकता है, और यहाँ पे 18 का पड़ेगा। सो ये वाला रजिस्टर आपके नियर बाय मार्केट में पड़ेगा 25 रुपीज़ का, और यहाँ पे आपको 18 रुपये का मिलेगा, मतलब 7 रुपये का एक कॉपी पे आपको डिफरेंस मिलेगा। कॉपी की रेट जो है वो थिकनेस के ऊपर है कि कितनी मोटी आप कॉपी लेना चाहते हैं। अगर ऐसी पतली कॉपी लेना चाहते हैं तो ये नॉर्मल मार्केट में हमारे नियर बाय 10 रुपीज़ की मिलती है, ये आपको पड़ेगी यहाँ पे 7 रुपीज़ की, मतलब 3 रुपये की कॉपी, 3 रुपये पर पीस आपको यहाँ पे एक तरह से डिस्काउंट मिल रहा है। और ये वाली जो कॉपीज़ दिखा रहे हैं भैया, ये 12 कॉपीज़ आपको 180 की पड़ेंगी, जो नॉर्मल मार्केट में आपको 25 रुपये की एक कॉपी मिलती है। तो काफ़ी डिफरेंस है कॉपीज़ के प्राइजेज में आपकी नॉर्मल मार्केट से। 25 की दिखती है। अच्छा, नॉर्मल शॉप में 25 की है। हाँ, स्कूलों में तो खैर बहुत महंगी है, और यहाँ पे कितने की पड़ेगी? 20 की। इसमें भी 12 पीस किसी को 6, अच्छा 10 का है, कम होता है। अच्छा, और किसी को 6 लेनी हो तो दे देते हो? अच्छा, 6 भी है, 12 भी है। ये दिखाना है, 320 का रजिस्टर है, 320 का, 70 का, 70, ठीक है। इससे पता ये आएगा, फिर 9 पीस का पैकेट है, 400। अच्छा, 9 पीस का 400 का पैकेट है, और इसमें पेजेस कितने होंगे? 180 पेज। ओके, 45 का रेट पड़ेगा आपको, 60 रुपये रिटेल में बिकता है। अच्छा, जो मार्केट में 60 रुपये का, वो 45 का पड़ेगा। मार्केट में 80 MRP है, इसमें प्रिंट 80 है। हाँ, तो वो फिर 5-10 रुपये कम कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे 45 का पड़ रहा है ना, 45, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिस शॉप की अभी मैं कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, 5-7 रुपीज़ का हर कॉपी पे आपको डिफरेंस मिलने वाला है आपकी नियर बाय मार्केट से। और अगर शीट की बात करें, ये 20 शीट का पैकेट है, जो आपको मिलेगा 18 रुपीज़ का,
और इसमें प्लेन शीट्स भी इस शॉप पर आपको मिल जाएंगी। 200 का पेजेस का, ओके 60 रुपीस का, ये 500 का और ये 100 रुपये का मिलेगा है, ठीक है। और कोई ज़्यादा लेगा तो कम कर दोगे थोड़ा बहुत? अच्छा, ये 100 का ही पड़ता है। दर्जनों के हिसाब से रेट है जी। हाँ। एक दो पीस वाला तो आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, 120 रुपये का रिटेल में बेचते हैं। अच्छा, सो गाइज ये है इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब मार्केट में आएंगे तो। बिल्कुल मेन रोड की दुकानें हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं। 4432 शॉप नंबर है, 7 डेज ओपन है, संडे को 2 बजे तक खुलती है, बाकी मंडे टू सैटरडे आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। कैलेंडर्स पर अगर नेम वगैरह या कुछ छपवाना चाहते हैं वो भी हो जाता है, और इस तरह से प्रिंट हो जाता है आपकी कंपनी नेम के अकॉर्डिंग। और अगर आप डायरीज पे लगवाना लिखवाना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, डायरीज पे भी हो जाता है ना, तो डायरी भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो डायरीज मतलब क्योंकि 2022 एक तरह से 3 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने तो सीज़न ऑफ हो चुका है, बट अभी कॉपीज़ का सीज़न है तो स्कूल खुलने वाले हैं, तो यहाँ पर आके विज़िट करके आप कॉपीज़ और शीट्स के पैकेट वगैरह ले जा सकते हैं। सुबह स्कूल की कॉपीज़ बहुत महंगी मिलती है, तो यहाँ पर आप स्कूल का नेम भी छपवा सकते हैं, ऐसे प्रिंट हो जाता है। ये जैसे प्रज्ञा सागर विद्या निकेतन के नाम से इन्होंने प्रिंट करवाया हुआ है, ऐसे प्रिंट भी हो जाती है कॉपीज। और ये फर्स्ट स्टेप के नाम से प्राइमरी स्कूल की, तो इसमें मिनिमम कितने क्या चार्ज लगते हैं? प्रिंट करके देंगे हम इसको 2 रुपये एक्स्ट्रा होता है। 2 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे बस? तो कितनी कॉपीज लेनी पड़ेगी मिनिमम? 1000। स्कूल वाले क्वांटिटी में आएंगे, ये तो ही नहीं 100-200 वाले तो कोई आएगा ही नहीं, होलसेल वाली बात होगी ना ये तो, है ना। हाँ, सो फ्रेंड जिनकी अपनी शॉप है या फिर जिनको स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं स्टेशनरी के आइटम्स का, वो ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं कॉपीज यहाँ से। ओनली 2 रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज लगता है कॉपी की प्राइस से, तो वो विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। सो चलते चलते मैं पहुँच चुकी हूँ एक सेकेंड शॉप पर, ये है मेहता एजुकेशनल स्टोर। और इस शॉप की मैं पूरी आपको डिटेल देने वाली हूँ, यहाँ की कलेक्शन दिखाने वाली हूँ कि बच्चों की बुक्स की वैरायटी यहाँ पे कौन कौन सी मिलती है और किस किस प्राइजेस पे मिलती है। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप किया तो बहुत कुछ रह जाएगा आपसे देखने के लिए। ये डील करते हैं जनरल नॉलेज बुक्स और चार्ट्स की डिफरेंट वैरायटी, तो चलिए फटाफट हम बुक्स की कलेक्शन देख लेते हैं। चार्ट्स है, हाँ। इसके बाद ये क्वालिटी आती है 3D वाले चार्ट्स। दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, दिस वन इज 3D वाले चार्ट, राइट। ये एम्बोस्ड होते हैं, प्लास्टिक पे प्रिंट हुए होते हैं, राइट। और ये कितने का पड़ता है ऐसा चार्ट? यानी ये 40 रुपीस का पड़ता है। अच्छा, अगर सिंगल लेंगे तो 40 का, और इनके से अगर क्वांटिटी में लेते हैं तो? होलसेल के रेट्स अलग होते हैं, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, तो थोड़ा बहुत लेस हो जाता है मतलब, है ना। अच्छा, सिंगल चार्ट 40 रुपीस का, ठीक है। और इसमें लाइक जैसे ये नंबर्स का है तो बाकी अदर्स जैसे अल्फाबेट्स वगैरह उसका भी मिल जाएगा? टोटल 20 वैरायटीज अलग अलग है, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज, ओके, सब अवेलेबल होते हैं, ओके। इनके पास चार्ट की वैरायटी तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक्टिविटी बुक्स देखी जो एज 3+ से स्टार्ट हो जाती है, 4+, 5+, 6+ तक की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और एक्टिविटी बुक भी काफ़ी अच्छी है गाइज, बहुत अच्छा इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है ताकि बच्चा इजीली समझ पाए और इजीली कर पाए उसे। टच एंड फील बुक्स हैं छोटे बच्चों के लिए, बेसिकली उनको सेंसेशन समझाने के लिए कि किस चीज़ का टेक्सचर कैसा होता है। ये जैसे जंगल एनिमल्स की है, तो ये देखिए चीता के ऊपर जो जैसा उसकी स्किन होगी, जैसा उसका फर होगा वैसे होगी पूरी बुक के अंदर, ऐसे अलग अलग। अच्छा, उनके बने हुए हैं 10-12 एनिमल्स हैं और उनकी स्किन का जो वो होगा सेंसेशन वो इसमें आप फील कर सकते हैं। ओके, एलिफेंट का होगा, ये एलिफेंट में भी था। हाँ जी, अच्छा सब में। ये स्नेक का है, ओके, ये क्रोकोडाइल का है, फिर आगे ये फॉक्स का है फर, देखिए बिल्कुल। और ये कितने की पड़ेगी मैम? ये वही 300-250 MRP है, होलसेल डिस्काउंट 40% और रिटेल डिस्काउंट 20%। बुक्स का अर्ली लर्निंग बॉक्स सेट है, ये 2+ और 3+ एज ग्रुप के लिए है, ओके। इसके अंदर 10 बुक्स हैं, सारी रीडिंग की 10 बुक्स हैं, जिसमें से 8 रीडिंग की है और 2 एक्टिविटी की है, ओके। तो ये जो रीडिंग की है ये लाइक अल्फाबेट वगैरह छोटे छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है, राइट, नंबर, एनिमल, बर्ड्स, वेजिटेबल, शेप्स, कलर, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ओके। ये सारी 10 बुक्स हैं। क्या पड़ेगा कॉस्ट इसका 10 बुक्स का? 500 रुपीज MRP है और वही 40% होलसेल डिस्काउंट है, ओके। स्टोरी बुक्स हैं, पर्टिकुलरली स्टोरी बुक्स हैं, इसके अंदर 10 बुक्स हैं, ठीक है, पंचतंत्र की, हर बुक के अंदर 10 स्टोरी ईच है, ओके। इस बॉक्स सेट की MRP 550 है, इस पे भी वही सेम डिस्काउंट 40%। आप बुक्स के अंदर थोड़ी पिक्चर क्वालिटी देखिए, पेपर क्वालिटी देखिए, इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी हैं, हम सारी डिजाइनिंग जो है खुद करवाते हैं। अच्छा,
तो मतलब अगर कहीं और से पंचतंत्र की ली जाए तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी आपकी, थोड़ी डिफरेंट होगी, मतलब वो सीधा गूगल से उठाई हुई कॉपी पेस्ट ना स्टोरीज होंगी ना पिक्चर्स होंगी। ओके, ये सारी ओरिजिनल डिजाइनिंग है आर्टिस्ट के खुद के हाथ की। ठीक है, ओके। तो ये अभी आप 550 का बता रहे हैं, तो अभी जैसे रिटेल में कोई लेने आएगा तो 550 का ही देंगे आप? नहीं, रिटेल में भी हम 20% तो ऑफर करते हैं, ऑफर। ठीक है, हाँ। हमारी चार बुक्स की सीरीज है, प्रीमियम क्वालिटी कलरिंग बुक्स हैं। इसके ऊपर आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो 3D से हमने प्रिंटिंग करवाई हुई है, ये 3D फॉइल प्रिंटिंग है, ये 3D से ग्लिटर प्रिंटिंग करवाई हुई है। ठीक है, चार बुक्स की सीरीज है, इसमें हमारी चार बुक्स आती है, 99 MRP है सबका। ओके, और सब 32 पेज की कॉपी कलरिंग बुक्स है, सब में 32 पेजेस हैं। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी है, सब में 3D प्रिंटिंग है, ये कोई भी अपनी बुक्स पे नहीं करवाता, नहीं करवाता, सिर्फ हम करवाते हैं। ठीक है, और इसमें भी 20% डिस्काउंट है इसमें? हाँ जी, होलसेल डिस्काउंट 40% और रिटेल 20%। ठीक है, एक रेंज है एवेंजर्स और स्पाइडरमैन कलरिंग। ओके, ये बाहर से इंपोर्टेड बुक्स आती है यूके से, ये सारी ओरिजिनल बुक्स है विद राइट्स, ये देखिए यूके से इन बुक्स का राइट लिया जाता है। ओके, इनकी MRP है 135 रुपीज, वही 40% होलसेल डिस्काउंट और 20% रिटेल डिस्काउंट। ठीक है, 24 पेजेस की कॉपी कलरिंग बुक है। ठीक, इसका ये बड़ा साइज आता है, ये 10 रुपए का है। अच्छा, ये 30 रुपए का। अच्छा, ये सारी लो प्राइसिंग, लो प्राइस रेंज है। ठीक है, ये 35 रुपीज की। तो मतलब अभी कोई रिटेल में लेगा तो आप 17 की देंगी? मैम ये रिटेल होती नहीं चीजें, ये सिर्फ क्वांटिटी में जाती है, क्वांटिटी में जाती है, ये कंजम्पशन इनकी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, एक एक स्पेशली कोई एक लेने आएगा इस मार्केट में, हां मतलब एक एक दो पीस ये यहां से नहीं, वो कोई भी अपने आसपास नियर बाय से ले लेगा। हां बिल्कुल ठीक। कर्सिव राइटिंग और सुलेख राइटिंग राइटिंग बुक्स की रेंज है। कर्सिव राइटिंग में हमारे पास 7 पार्ट्स हैं। प्राइस रेंज जो है 70 और 50 रुपीज है। जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ये 48 पेजेस के हैं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। राइट, ये देखिए हमने हर पेज दो दो, हर लेटर के दो दो पेज दिए हैं राइटिंग के लिए, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए। 4 कलर प्रिंटिंग है, 120 माइक्रोन का GSM के अंदर कागज है। ठीक है, राउंड कटिंग करवाई हुई है ताकि बच्चों के हाथ ना कटे साइड से, पेपर कट ना हो बच्चों को। और फिर जो आगे के पार्ट्स हैं, पार्ट 1-5 जिसमें बच्चे की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसमें 32 पेजेस हैं और वो सारी 50 रुपीज एमआरपी है। वैसे ही हमारी हिंदी की रेंज आती है, एक है ये 3-in-1 राइटिंग, इसमें तीनों है, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, एक ही बुक में तीनों की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, और इसका भी सेम प्राइस है? तो इसका 70 रुपीज। ठीक है, 70 में मतलब तीनों ही आ गए ना, तीनों हिंदी में 48 पेजेस हैं। ठीक है, मैम ये एंटीक ग्लोब्स हैं, इनके अंदर हमारे पास बॉल के 6 अलग अलग डिजाइन है। okay. इसका जो बेस होता है वेलवेट कोटेड होता है, अंदर से नीचे वेलवेट कोटिंग हुई होती है बेस के नीचे। okay. बेस वुडन है और जो आर्क है मेटल का है। okay, मेटल का, ये मतलब डेकोरेटिव प्रोडक्ट की तरह यूज हो सकता है, डेकोरेशन के लिए और घर में रखने के लिए एज अ शो पीस। बट ये जैसे थोड़ा डार्क में आ रहा है, इसमें लाइट में भी मिलेगा? 6 अलग अलग डिजाइन है हमारे पास। ठीक है, वो सारे अवेलेबल होते हैं एट ऑल टाइम्स। जैसे ये डार्क ग्रे है, ये थोड़ा ब्लूइश में है, शेड में है। दो साइज होते हैं, एक ये 8 इंच का साइज होता है, 8 इंच या 20 सेंटीमीटर, और एक इसमें छोटा डिजाइन है, छोटा साइज। ठीक है, और ये दोनों सेम साइज है? ये सेम वही छोटे साइज में 5 इंच। अच्छा, ये इसका छोटा साइज? हाँ जी, इसका छोटा, ये 5 इंच का। हाँ जी, ठीक है। और प्राइस मैम ये 500 का है, और ये छोटा वाला 300 का है। ठीक है, और इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह है? नहीं मैम, ये नेट रेट होते हैं। अच्छा, ये नेट रेट है। ग्लोब्स, मैप, चार्ट्स, ये नेट रेट होते हैं, इनमें डिस्काउंट स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक, इसका भी बता दीजिए एक बार, नीचे का इसका जो बेस है वो किस चीज़ का है? मैम ये इनेमल कोटेड ग्लोब है, इसमें इनेमल कोटिंग की जाती है। ये ग्लोब बनने में, सूखने में, मतलब एक बार जब बॉल्स के ऊपर पेस्टिंग हो जाती है शीट की, उसके बाद इसको सूखने के लिए एक दिन लगता है। अच्छा, जो इनेमल इसके ऊपर चढ़ा है, और वो दिख भी रही है थोड़ी चमक। हाँ जी, इसका शाइन देखिए, बिल्कुल, इसमें क्लैरिटी देखिए सबसे ज्यादा होगी, और ये सालों साल इसमें पीला नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके नीचे भी वही एकदम वेलवेट कोटिंग है, मेटल का आर्क है, और ये वाला जैसे ये क्रोम प्लेटेड है। okay. ये नॉर्मल शाइन है इसमें। अच्छा, तो ये ऐसे ही रहेगा? ये ऐसा ही रहेगा, रस्ट कोई नहीं लगेगा इस पे। ठीक है, और इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका भी वही प्राइस है, सेम 500। ठीक है,
इसका प्राइस बताइए मैम। ये बॉम्बे की कंपनी है नवनीत, ये इंडिया का नंबर वन पब्लिशर है। ओके। और हम इनके यहाँ के नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा। तो इसके डिस्काउंट स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है क्योंकि प्राइस रेंज भी इनकी कम होती है, 50 रुपीस कंपैरेटिवली बाकियों से कम है। अच्छा, ये 50 रुपीस की। हाँ, ये 50 है और इस पे जो होलसेल डिस्काउंट है वो 30% होता है। ओके। और इसमें भी अलग अलग मिल जाएगी, जैसे हाँ, इसमें वैरायटी बहुत, वेजिटेबल्स सब मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी है इनके पास। यस, चिल्ड्रन बुक्स में कम से कम 1000 से ऊपर बुक्स हैं। ओके। इंडिया के नंबर वन पब्लिशर है। ओके। तो ये आपके पास सारी वैरायटी मिलेगी। हाँ, हम इनके नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको वैरायटी दिखा दी है। मेहता एजुकेशन स्टोर है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनका शॉप नंबर है। जब भी जाएंगे अगर आपको ऐसे कोई मटेरियल लेना है तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये कितने पेजेस का है? 500 पेजेस। और इसमें कितने हैं? सॉरी, 500 पेजेस का 100 रुपये का। 100। तो कोई सिंगल लेगा तो 100 रुपये का देंगे आप? 110। हाँ, 110 रुपये का। वही एक रिटेल ही बताइएगा। ये 400 पेज का। अच्छा, और ये कितने का पड़ेगा? सिंगल लेंगे तो 90 का। अच्छा, और दर्जन में? ओके, ये 70 रुपीज़। अच्छा, ये 70 रुपीज़ का। ये शीट्स का पैकेट है और ये कितने का आता है? 70 रुपये का पैकेट होता है। इसमें 100 शीट का 70 रुपये का पैकेट है। अच्छा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ी हूँ शॉप नंबर 4086 में और यहाँ पे कॉपीज़ की वैरायटी काफ़ी सारी हैं। डायरीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी, कैलेंडर भी मिलेंगे आपको, शीट्स भी मिल जाएगी, A4 साइज शीट्स, कलरफुल शीट्स, प्लेन शीट्स। सो फ्रेंड, जिस शॉप पर मैं थी मुझे प्राइजेस थोड़े से हाई लगे बाकियों के अकॉर्डिंग, तो मैंने वहाँ से मूव कर लिया और मूव करने के बाद मैं एक स्टॉल पर पहुँची हूँ। सो फ्रेंड्स, ये बोर्ड वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये 50 रुपीज़ की नॉर्मल मिल जाती है आपको मार्केट में, बट यहाँ पे 40 रुपीज़ की है इन अंकल के पास। और हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इसमें काउंटिंग वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। अच्छा, इनकी बुक्स वगैरह भी रखते हैं, छोटे बच्चों का ही है ना सारा। ये कितने की पड़ेगी? 40 रुपये की है। 80 रुपये। ये 40 की, 80 की, 70 रुपये की कलर बुक। अच्छा, इसमें तीनों है क्या? अच्छा, तभी महंगी है ये। 70 रुपये की। और ये वाली? ये भी 70 रुपये की। इतनी महंगी क्यों? 25 रुपये। अच्छा अच्छा मतलब आपके पास सस्ती भी है और महंगी वाली भी है। ये पैकेट होते हैं 10 पैकेट है ना इसमें? अलग अलग है सबका? सिंगल है, 60 रुपये। अच्छा, ये सिंगल पीस है। सो फ्रेंड्स, ये है शॉप नंबर 4426 और इसके बिल्कुल यहाँ पे नीचे अंकल जी बैठे हुए हैं जिनके अभी मैंने आपको कलेक्शन। इसमें कितने होते हैं? 100 होते हैं। अच्छा, 100 होते हैं 50 रुपये का ये, जो कि 5 रुपये का मिलता है अभी मार्केट में सिंगल पीस। सो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्शन नई मार्केट स्टेशनरी मार्केट की। और मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए कॉपीज़ की, बुक्स की, तो आपको इस मार्केट में विजिट करना चाहिए। अगर क्वांटिटी कम लेनी है तो आप अपने नियर बाय मार्केट से ले सकते हैं। कॉपीज़ और रजिस्टर में आपको डिफरेंस ज़रूर मिलने वाला है। बुक्स की मैंने ऑलरेडी बना रखी है वीडियो, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं अगर बुक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए तो। कॉपीज़ की वैरायटी आपको इसमें दिख गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इस मार्केट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर और बहुत खुश रहिए। बाय।